नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटी एक्सेल स्कूल एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल फॉर एमआई सपोर्ट ऑटोमेशंस। तो दोस्तों, हमें डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉल्स रिसीव होते हैं कैरियर कंसल्टेंसी के बारे में कि सर एक्सेल के साथ और क्या सीखे, क्या सीखे जो जॉब मिल सके। अब किसी सक्सेसफुल वकील से पूछिएगा कि 12th के बाद आपका बच्चा क्या करे, तो वकालती सलाह देगा। लेकिन एक वही फेलियर वकील से पूछिएगा तो बोलेगा कि वकालत सलाह नहीं देगा, बोलेगा देखो मैं झक मार रहा हूँ, तुम लेके क्या करोगे। सेम उसी तरह से होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन से बात करते हो कि भाई कौन सा किया जाए, तो वो अपने फील्ड के, क्योंकि वो अपने फील्ड के बारे में जानता है। तो अपने फील्ड से रिलेटेड ही चीज आपको बताएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका फील्ड आपको सूट करे। तो किस तरीके से हम अपने कैरियर, या फिर हम किस तरीके से, एक मान लीजिए कि किसी एक प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या-क्या चीजें हमें आनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। तो चलिए इसी विषय में आज का हमारा ये टॉपिक है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हमारा तर्क, हमारा दिशा निर्देश आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि कोई भी जॉब पोर्टल जो पॉपुलर है, जैसे पॉपुलर आजकल चल रहा है नौकरी.com, आजकल का बहुत पहले से चल रहा है नौकरी.com, उसके अलावा और भी जो आपके नजर में पॉपुलर साइट्स हैं, वो साइट्स पे आप जाएं, लिंक्डइन पे ही भी जा सकते हैं आप। और यहाँ पे आप सर्च करें, जैसे मुझे सर्च करना है, मान लीजिए मैं एक्सेल सीखना चाहता हूँ, तो एक्सेल के सीखने के बाद मैं क्या चीजें, किस तरह की जॉब ले सकता हूँ, एक्सेल कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए मैंने इसको सर्च किया, और भी कोई है जैसे एमएस वर्ड और भी कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, फिर मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 31,467 जॉब करंटली यहाँ पे आ रहा है, और अलग अलग सिटी वाइज भी है। अगर आप पर्टिकुलर एक सिटी का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए, एक सिटी का भी यहाँ पे है। अलगसन मोस्टली सारे जो भी सिटी इंडिया में है, सब में जो एक्सेल की ओपनिंग तो है ही, आप जैसे देख पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई टॉप 5 ही आ रहा है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे उठाए, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो जैसे जैसे डायरेक्ट सेल्स एजुकेशन सेक्टर विथ गुड पैकेज यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें पहले आप कंपनी देख लें कि कंपनी क्या है। याद रखें, देखिए क्या है, एक्सेल एचआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई कंपनी नहीं है, एक कंसल्टेंट, कंसल्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हायरिंग, तो आप ये भी देखते समय इसका भी आप जरूर देखें कि इसे मोस्टली जॉब एक्सेल एचआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिया हुआ है टॉप पे। अच्छा, जयपुर का है ये, हर सिटी के लिए दिया हुआ है। चलिए मैं दिल्ली यहाँ फिल्टर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, दिल्ली एंड गुड़गांव कर देता हूँ। कैसे फिल्टर लगा ले आप, अब देखिए अब इसमें जॉब आया जैनमैन है। देखिए यह एक्सेल, ये क्या है आपका, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। ये क्या है, बैचुलर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब एक कंपनी जैनमैन है, और ये भी आपका जैनमैन है। तो कंसल्टेंसी से बचिएगा, कंसल्टेंसी में एक एक ही जैसा होगा और सही नहीं होता है। ये देखिए एससीएल लिमिटेड, डायरेक्ट एससीएल ने दिया है। ऐसे आपको देखिए इंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड, डेटा एनालिसिस एंड एमआई एग्जीक्यूटिव। तो ऐसे आप जो है 10, 20, 50 ऐसे जॉब्स को अब देखें, और उसके बाद उसको, उस डेटा को इकट्ठा करें कि आखिर वो मांग क्या रहे हैं, ठीक है, कि उन स्किल्स में जीजिए। आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए। कैंडिडेट, ये रहा आपका कैंडिडेट प्रोफाइल,
कैंडिडेट प्रोफाइल में क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंटायर एमएस ऑफिस सूट्स गूगल ड्राइव बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर ईआरपी एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द वर्कलोड एंड प्रायोरिटी, तो बाकी चीज़ें लगी ये आपको देखिए एमएस ऑफिस इसको डीप लेवल में चाहिए। तो यहाँ पे एमएस ऑफिस मांग रहा है। इस तरह से आप देखिए अलग अलग जितने भी ये हैं जॉब्स हैं उनको अलग अलग आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जॉब, ये रहा आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको करना क्या होगा, ये आपका रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होगा कि क्या होगा। देखिए गुड गुड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स, और साथ साथ आप देखिए कि आपका और भी क्या ग्रेजुएशन में भी क्या मांगते हैं, ये एक्सेल मांग रहे हैं। ऐसे एस सी एल में आप जाइए तो एस सी एल का भी जॉब प्रोफाइल अलग अलग है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं है कि आपका जॉब में आपको करना क्या है, कैंडिडेट प्रोफाइल जो होगा उसमें देखिए आप क्या यहाँ दिया हुआ। तो इससे आप डिसाइड कीजिए कि विच सॉफ्टवेयर यू वांट टू लर्न। तो जैसे कि मेरा हमेशा से यहाँ पे देखिए सैलरी पैकेज भी दिख रहा है, तो आप सैलरी पैकेज के हिसाब से भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितने तरह की सैलरी मिल रही है हमें। तो इस चीज पे डिसाइड कर दो। पहले क्या होता था कि हम कोर्स करने के बाद जॉब ढूंढते थे, लेकिन मेरा थोड़ा सा फंडा उल्टा है। हम चाहते हैं कि आप पहले जॉब को एनालाइज करो कि मार्केट में किस तरह के जॉब अवेलेबल है और उसके लिए किस तरह की प्रोफाइल, किस तरह की नॉलेज और किस तरह की डिग्री की जरूरत पड़ रही है और क्या पैकेज है, और उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन करें। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स या आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स आपको बोलेंगे कि बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, जावा कर लीजिए, फलाना कर लीजिए, ठिकाना कर लीजिए, और बताएंगे कि इसको करने के बाद आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का पैकेज मिलेगा। तो सबसे पहले आप Naukri.com पे या जॉब जो भी जॉब जॉब ओरिएंटेड साइट्स हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं इस तरह की, तो उन पे जाके आप रिसर्च करें कि क्या सच में इतनी पैकेजेस मिल रहे हैं, और पैकेजेस मिल रहे हैं तो क्या देखिए अब मान लीजिए इसी देखिए कि यहाँ पे 3 to 4 year एक्सपीरियंस है, तो आप अगर फ्रेशर है तो इसको तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये 3 साल के कम से कम एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर के लिए जॉब क्या है, या आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो कम के लिए क्या है, और आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब जैसे बहुत सारे हमारे पास कैंडिडेट आते हैं जो ओवर एज होते हैं, जैसे कि ओवर एज तो नहीं कहेंगे लेकिन हम प्लस 40+ 50+ आते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए कि उनके लिए भी कोई जॉब की व्यवस्था है या नहीं है। अब जैसे कि एक चीज और आती है बात इसमें, ये तो हो गई आपकी बात हो गई जॉब सर्चिंग से, अब बात करते हैं कि अभी आजकल लोग नौकरी कर रहे हैं तो किस कंपनी में कर रहे हैं और किस तरह की सैलरी पा रहे हैं और उनका रिज्यूमे किस तरह का है, क्या क्या अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, ये आपको अगर देखना। अब बात करते हैं रिज्यूमे की, तो यहाँ Naukri.com पे ही आएंगे आप, तो नीचे ऐसी फैसिलिटी बहुत सारे साइट्स पे है लेकिन मैंने Naukri.com को एनालाइज किया, इसमें आपको Naukri.com बता रहा है, लेकिन आप लोग होशियार है आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट VVA माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो ही लिखते हैं सिर्फ माइक्रोस की बात करते हैं एनी टाइप ऑफ द कीवर्ड में, और एक्सपीरियंस डालना है एक्सपीरियंस डाल दीजिए, रिज्यूम टाइटल डालना है वगैरह, स्किल्स डालना है जो भी डालना है आप यहाँ और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जितना डालेंगे उतना फिल्टर्ड होके आएगा। ये आपका कैंडिडेट एक्टिव द लास्ट फाइन रिज्यूम। अब यहाँ पे देखिए 1920 ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जो लास्ट 6 मंथ में इस Naukri.com पे एक्टिव है, जिसके कीवर्ड एक्सेल है। यहाँ देखिए ये है आपका मिस्टर अफाफ आरिफ, इनके पास 2 साल का 2 साल 4 मंथ का एक्सपीरियंस है और इनकी CTC अभी 8,40,000 है,
ये जैनपैक में वर्क कर रहे हैं और इनकी क्वालिफिकेशन है बीटेक एंड वी इंजीनियर, और ये लोकेशन जो है बेंगलोर में है। ये काम क्या कर रहा है, बिजनेस एनालिसिस के काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हाँ, बिजनेस एनालिसिस जो है इस तरह के पैकेजेस उठा रहे हैं। अब इनकी नॉलेज पे भी ध्यान देना है, तो ओपन कीजिए, इनकी नॉलेज को भी आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। इनकी नीचे समरी देखिए, यहाँ पे इनके रिज्यूमे है, समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल, आईटी स्किल्स, लैंग्वेजेस वगैरह वगैरह। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो जॉब अभी फिलहाल कर रहे हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनका लिस्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ देखिएगा, एक तो मत कीजिएगा, अगर एनालिसिस करते हैं तो काफी लंबा चौड़ा एनालिसिस कीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लोग जो है सैस यूज कर रहे हैं, फिर भी इनकी एक्सेल का है, वीवीए माइक्रो है, माइक्रो की जरूरत है यहाँ पे, एक्सेल की जरूरत है, देख रहे हैं आपको। बगैर एक्सेल की वो आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए अगर आप कोई भी अलग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो एक्सेल है इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी देखिए आपको, यहाँ पे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो इन शॉर्ट, आपको कुछ भी किसी भी तरह की जॉब चाहिए तो एक्सेल तो सीखना ही पड़ेगा, लेकिन एक्सेल के अलावा और क्या सीखें वो डिसाइड करते हैं, और सीखने के बाद किस तरह की जॉब करें ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च पे। तो मेरी सलाह यही है कि पहले आप रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद फिर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम कंसल्ट करें, क्योंकि मान लीजिए आप हमें फोन करते हैं, लेकिन हम तो ट्रेनर हैं और मैं वर्किंग भी हूँ, तो मैं एमआईएस की फील्ड के बारे में, डेटा एनालिसिस की फील्ड के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन आपकी फील्ड हो सकती है दूसरी हो, तो आप इसके लिए linkedin.com पे जा सकते हैं। LinkedIn.com क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे कि मेरे ही देखिए कि मेरे नेटवर्क में आप देखेंगे तो मेरे नेटवर्क में अभी 2759 लोग हैं, और ये अलग अलग लोकेशन से अलग अलग कंपनीज हैं, तो इनके साथ आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। Nokia.com पे इनका नंबर नहीं मिलेगा आपको, नंबर लेने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, वहाँ पर पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जैसे विनस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज का है, तो इनके साथ मैसेज पे चैट कर सकते हो। इनको पहले फ्रेंड अपना कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर इनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, ये आपको सही राह भी देंगे। या फिर इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं कि ये किस तरह के प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो इनके साथ आप कर सकते, इस जॉब यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर जॉब सर्च करना है तो यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब जो आता है जैनमन आता है, ध्यान रखिएगा, Nokia.com पे तो जॉब उल्टे सीधे डाल देते हैं, बट यहाँ पे जॉब जो है वो जैनमन आता है मोस्टली, क्योंकि ये इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। ये आपका जॉब आया, और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां देती है जॉब, आज देखिए इंफोसिस है, वीवीए डेवलपर का है, एसेंचर है, तो ऐसे जॉब आते हैं। तो आशा है कि आपको जॉब सर्च करने में, क्योंकि मार्च महीना है, अप्रेजल का टाइम है, तो बहुत सारे लोग जॉब स्विच करने की बात करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। तो प्लीज़ आप लोग अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच करने के मूड में हैं, तो आप एक बार अपने प्रोफाइल को कंपेयर टू अदर या कंपेयर टू जॉब कर लें, फिर जो कमी लग रही है उस पर आप लर्न कर लें, उसके बाद आप जॉब की स्विच करने का मूड बनाएं। या फिर अभी आपने 12th पास किया है और अपना करियर चूज करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाह रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर चूज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी अपनी करियर को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे साथ ट्रेनिंग लेना हो तो मेरे साथ आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हम ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देते हैं, जो कि आप अपने घर से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ डायरेक्ट, और पहले हम कुछ डेमो क्लास देते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।